सर एक बात पूछना है, ये फ्रॉड व्रॉड वाला नहीं ना है? क्योंकि बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि फ्रॉड ऐसा होता है। सर चोर साथ मिस्टर छुटलाल जुड़ चुके हैं, आज हम उनसे बातें करेंगे। और ये देखिए, ये जो चचा जी हंस रहे हैं, बहुत मस्त आदमी है, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपका नाम क्या है चचा? नाम बताइए। इनका नाम गुड्डू वर्मा है, शायद आपको इनका आवाज़ नहीं सुनाई दिया होगा। फिर से आज के हमारे एक नए ब्लॉग में दोस्तों तो स्वागत है फिर से हमारे एक आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारा कॉल ऐसे आता है कि जो फ्रॉड कॉल होता है, जिससे कि आपकी बैंक अकाउंट को खाली किया जा सकता है। अगर आपने एक भी गलती किया तो आपका बैंक अकाउंट गया, यानी उसमें जितना भी रखा रखा पैसा है सबका सब निकल जाएगा। फिर मैंने कॉल उनका कट कर दिया और कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला कि इस तरह का सारा फ्रॉड है। और अभी आपको एग्जांपल में उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा। और फिर दोबारा कॉल आया था और मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था। अभी मैं उस नंबर पर कॉल करने वाला है और कैसे आपसे OTP लेकर आपको बेवकूफ़ बनाएगा और फिर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा। वैसे भी अगर मैं OTP दे भी देता अभी के समय में, मेरे में कितना था, 6 रुपया 42 पैसा था। गरीब आदमी अभी तक कमाया नहीं हूँ मैं YouTube से। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए क्या बात करता है। ऑनलाइन भी हाँ करते हैं, कभी कभी फोन पे या गूगल पे से करते हैं। जी सर, किस पे? मैसेज बॉक्स में सर। ये सर व्हाट्सएप बिजनेस कोड लिख रहा है ऐसा करके। अच्छा अच्छा सर, ये तो जियो का नंबर पहले था, अभी तो हम इसको एयरटेल में चेंज करा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर को नंबर तो आप कॉल किए तो नंबर तो दिखाई दे रहा होगा ना उधर। अच्छा ये वाला कोड, हाँ सर लिखिए ना, 4 1 3 5 2 5 ना सर? यस सर। अपडेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको सर अभी एप्पल से रिचार्ज आपको कंप्लीट करना है, जो 10 रुपए का आपको पेमेंट करना है, ठीक है सर। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। यस सर। जो आपका आज के डेट में आपको रिचार्ज कंप्लीट होगा, ये अपडेट सक्सेसफुल का रसीद मिलेगा कि आपका सिम अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है सर। यस सर जी। तो उसके लिए अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए सर, एक मिनट के लिए। प्ले स्टोर, अच्छा अच्छा एक मिनट रुक जाइए। आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए आप। हाँ किया सर। वहाँ पर लिखो सर एनीडेस्क, ANYDESK। एनीडेस्क, हाँ सर आया, एक ऐप आया रेड कलर का आया है ना एनीडेस्क, उसको आप डाउनलोड कीजिए। अच्छा हाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, हो रहा है। अच्छा सर एक बात पूछना है, ये फ्रॉड व्रॉड वाला नहीं ना है? क्योंकि बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि फ्रॉड ऐसा होता है। सर आप कोई भी किसी को डिटेल्स ना बताएं, ठीक है सर। आपको देखिए जो जानकारी आप बता सकते हैं वही बताइएगा, ठीक है। आपका कोई डिटेल्स किसी को आपको नहीं बताना है, आप खुद से कीजिएगा तो ठीक है सर, लेकिन किसी को आपको बताने का जरूरत नहीं है सर, किसी को कुछ भी नहीं बताना है, जो कुछ करना है खुद आपसे ही कीजिएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, हम कस्टमर केयर में कॉल किए थे तो वहाँ से बोले कि ये कॉल आया था तो ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग तो नहीं किए हैं। चोद कुत्ता पिल्ला चुतिया समझ रहा है रे।
माधर चोद क्यों क्यों कर रहे भोंसरी का, तू चुतिया बना रहे हमको, चुतिया बना रहे जी, चुतिया चोद कहीं का, किसका और कहाँ का बहन। देखिए तो आपने देखा भी वीडियो में, मैंने दिखाया भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारा कॉल आता है जिससे कि बहुत प्यार से बात करेंगे। देखिए कितना अच्छा से बात कर रहा था, मैंने जैसे ही उसको गाली दिया और समझ गया कि ये समझ गया। तो देखिए ऐसे कॉल से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे कॉल आएंगे खुद प्यार से बात करेंगे कि मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका सिम बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, एटीएम बंद हो जाएगा। ऐसे फ्रॉड कॉल बहुत आते हैं, प्यार से बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास देखिए बहुत सारा इकट्ठा जानकारी होता है, लेकिन मेन हथियार है आप ही के पास OTP। और जब तक OTP नहीं देंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आज यही होने वाला था मेरे साथ भी, लेकिन अब मैंने OTP नहीं दिया और सुबह से ही मैं परेशान था, क्योंकि उस समय मैं बिजी था, उससे बोल नहीं पाया। तो फिर मैंने नंबर था, कॉल किया और कह रहे कोई बात नहीं सर, इतना अच्छा से बात कर रहा था, आप वीडियो देखे होंगे तो सुने भी होंगे। तो ऐसे कॉल से रहना है सावधान, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं जो आपके बैंक अकाउंट को कर सकते हैं खाली। तो रहिए सावधान और देखते रहिए हमारे चैनल रविशंकर ब्लॉग्स को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।